जनवरी की जो धोनी का साइज देख लें आप, कढ़ाई के लिए मटन कढ़ाई जो है 2900 रुपये की, मलाई हंडी बना रहे हैं ये, तंदूर पे रोटियां लग रही हैं 1050 की जी भाई, ये सच्ची है, ये डिब्बे कटा कट कर दिए आइटम अवेलेबल, 900 रुपये की प्लेट है, इनके बारबेक्यू आइटम भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो है बंस रोड, और बंस रोड पे जिस रेस्टोरेंट पे हम आए हुए हैं वो है सुपर शाइन शनवारी, और ये बहुत ही मशहूर बंस रोड का रेस्टोरेंट है सुपर शाइन शनवारी, और यहाँ के हम आपको दिखाते हैं कि बारबेक्यू सब्जी और गोश्त की कटिंग कैसे होती है, और कढ़ाई कैसे बनती है, बारबेक्यू के कौन कौन से आइटम हैं, और कढ़ाई के कौन कौन से आइटम हैं, और उनके प्राइस क्या हैं। तो फिर चलिए आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं अपने खानों के बारे में। कढ़ाई के लिए जो है चिकन की जो है कटिंग कर रहे हैं, चिकन की कटिंग जो है कढ़ाई की कोई खास होती है क्या? जी मतलब कढ़ाई में क्या कोई खास चीज़ किस तरीके की, मतलब तो माशाल्लाह घाट खाते तो बोलते हैं माशाल्लाह चीज़ बनाई है, मतलब इसकी बॉडी का कोई साइज होता है कढ़ाई का, या साइज आपको मतलब एक ही रखना पड़ता है उसका? मैं पप्पे भाई जो है इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये देखें कैसी ज़बरदस्त ये है, ये देखें कैसी कटिंग की है ज़बरदस्त, ओहो क्या पीसीस बनाए। पप्पे भाई कब से काम कर रहे हैं आप ये? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल से जो है इसकी जो है गोश्त की मटन बीफ और चिकन की जो है ये सुपर शनवारी पे जो है बंस रोड पे ये कटिंग करते हैं, और बहुत ही अलग किस्म की एक ही साइज़ की कटिंग करते हैं पप्पा भाई। पप्पा भाई ना, पप्पा भाई नाम देखें आप कितना, वैसे असल नाम क्या है? तो आपका निकनेम हो ताज मोहम्मद कुरैशी साहब हैं ये, पप्पा भाई के नाम से मशहूर हैं सुपर शाइन शनवारी पे, और ये कटिंग करते हैं ये ज़बरदस्त, ये स्टाइल दिया। ये देखें जी पप्पा भाई ने जो है मटन की जो बॉडी का साइज़ देख लें आप, कढ़ाई के लिए कैसा बनाया है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये कढ़ाई में बनती है तो फिर कैसे बन के नज़र आती है। ये देखें जी पप्पा भाई ने जो है ये कटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त कटिंग की है, एक ही साइज़ की, ना कोई स्केलिंग है ना कुछ है, ये सिर्फ इनका तजर्बा है पप्पा भाई का, ये देखें ज़बरदस्त। अच्छा वो जो काट, हाँ यार गोश्त दिखाइएगा ज़रा पप्पा भाई ने जो, ओ हो हो बहुत ही आला किस्म का, और जब देखें कच्चा हमने दिखाया, अब पका हुआ जो है गोश्त आपको दिखाया, साइज़ देखें आप, सिर्फ आप इसकी स्केलिंग देखें किस तरीके से जो है मटन कढ़ाई जो है ये बनाएंगे इस गोश्त की, और साइज़ का आप देख लें कटिंग कैसे की थी पप्पा भाई ने आपको, हमने दिखाया अभी ज़बरदस्त। ये कौन सी कढ़ाई बन रही है? ये मटन कढ़ाई बना रहे हैं 2900 रुपये किलो है भाई, ये सुपर शाइन शनवारी पे बंस रोड पे जो है मटन कढ़ाई जो है 2900 रुपये की। ये देखें जी क्या बना रहे हैं, मलाई हांडी, ये देखें जी मलाई हांडी बना रहे हैं ये, इसमें चिकन की जो है पीसीस डाले, क्रीम में जो है मलाई बोटी डाली है, मलाई हांडी बना रहे हैं ये। सुपर शाइन शनवारी आप देखें कि उधर जो है किस तरीके से जो है इन लोगों की कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं बंस रोड पे। ये मलाई मलाई हांडी, ये मलाई हांडी की कितने की है, 1 किलो की? 400 ग्राम कितने की? 850 रुपये की जो है ये 400 ग्राम होती है मलाई हांडी बोटी चिकन। देखें जी एक साथ जो है ये कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं, मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई मलाई बोटी हांडी सारी कढ़ाइयाँ जो हैं ये तैयार कर रहे हैं, तंदूर पे रोटियाँ लग रही हैं, ये रोटी लगा रहे हैं तंदूर पे ये भाई साहब, ये देखिए सुपर शाइन शनवारी पे ये तंदूर पे रोटियाँ लग रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कसम से जो है इन लोगों का काम होता है बंस रोड पे। सज्जी आप बनाते हो सज्जी? जी जी सर, कोयले वाली। अच्छा तो कितनी देर में तैयार हो जाती है ये सज्जी? 3 घंटे लगते हैं इस सज्जी को तैयार होने में। तो ये कितने केजी का होता है ये चिकन? 1.25 किलो। 1.25 किलो का होता है, कितने का होता है?
1.5 किलो। ओ कितने का होता है? सॉरी 1050। 1050 की। जी भाई ये सब्जी है, ये देखें ये तैयार हो गई है इनकी सब्जी, और इसमें चाट मसाला लगाएंगे। और इसमें और क्या मसाला? क्या सिर्फ नमक लगता है इसमें? नमकीन होता है, नमकीन होता है ना इसमें। देखें जी ये 1050 की है, सुपर शाइन चंदवारी पे, बंस रोड पे। ये देखें जी सब्जी किस तरीके से जो है इन्होंने तैयार की है। और ये एक सब्जी कितनी देर में तैयार हो जाती है यार? 3 घंटे लग जाते हैं इस एक सब्जी को तैयार होने में। ये देखें पैकिंग कर रहे हैं, ये चाट मसाला है। 1050 की ये सब्जी है, सुपर शाइन शनवारी पे ऑर्डर आया हुआ है इनका। ये इनके मसाले हैं, सुपर शाइन शनवारी, लहसुन अदरक और ये मलाई हांडी इनकी तैयार हो गई है। ये देखें ये है मलाई हांडी खाने वाले, इनका ऑर्डर था ये। साहब क्या हाल हैं? ये देखें जी ये हैं कटाकट वाले। ये मटन का होता है ना सारे? सारा मटन का। ये कितने की प्लेट है? एक ये 900 रुपये की एक प्लेट है। कितना प्लेट का हिसाब किताब होता है इसमें? सही है, तैयार हो गया ये। अभी और कुछ और? ये देखें जी सुपर शाइन शनवारी पे कटाकट का भी आइटम अवेलेबल है। 900 रुपये की प्लेट है इनके पास, और ये टॉपिंग की इन्होंने जो है धनिए की। और इसमें क्या क्या आइटम होते हैं ये बताएंगे खुद ही। दिल गुर्दा मगज कपूरे भी होते हैं। अच्छा, दिल गुर्दा मगज कपूरे और क्या है? बस जी देखें ठीक है ना, दिल गुर्दा मगज और कपूरे इसमें हैं। और ये इसके मसाले कौन कौन से हैं ये बताता है? मेथी, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, नमक मिर्च। मेथी, नमक, गरम मसाला और ब्लैक पेपर और गरम कुटी मिर्चें जी। ये जो है कटाकट के मसाले हैं, हरी मिर्चें, टमाटर, दही, लहसुन अदरक, धनिया, ये कटाकट के सारे मसाले। और इनके सारे जितने भी आइटम कटाकट के हैं ये सब दिल गुर्दे और मगज इस्तेमाल होने वाले ये सब चीज़ें हैं इसकी कटाकट की, जिसमें ये बनता है। एक प्लेट इनकी रेडी हो गई है, 900 रुपये की एक प्लेट है ये। और बहुत ही ज़बरदस्त सुपर शाइन शनवारी बंस रोड पे जो है ये इनके पास ये आइटम भी मौजूद है। बंस रोड सुपर शाइन शनवारी पे जो है बारबेक्यू आइटम भी अवेलेबल हैं इनके पास। ये कुछ दोस्त जो हैं, सारे फ्रेंड हैं ना आप लोग? ये देखें जी कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं खाना खाने के लिए सुपर शाइन शनवारी पे। तो आइए हम इन लोगों से पूछते हैं कि इन्होंने कौन सी कढ़ाई खाई और कैसी कढ़ाई है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सब खैरियत है? खाना एंजॉय कर रहे हैं सुपर शाइन शनवारी पे? कौन सी कढ़ाई मंगाई थी आपने? मटन कढ़ाई मंगाई है माशाल्लाह से जी। कितनी मंगाई थी आप लोगों ने? हम लोगों ने आधा किलो, आधा किलो मंगाई थी। कैसी है? जबरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट है, अच्छी है। अच्छा तो आते रहते हैं या अभी फर्स्ट टाइम खाई है? फर्स्ट टाइम थी, मतलब पहली दफ़ा में ही जो है छक्का लगा दिया आपने सुपर शाइन शनवारी का। ठीक है ज़बरदस्त। तो आप लोग क्या फ्रेंड्स सारे, यानी कि तीनों सारे फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो यानी कि आज प्रोग्राम बनाया था कि भाई शाइन शनवारी चलना है। ये देखें जी इनके फ्रेंड्स भी आए हुए, और ये शाइन शनवारी में जो है मटन कढ़ाई इंजॉय करने के लिए आए हुए थे। चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग एंजॉय कीजिए अपना खाना।
अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए बंस रोड फूड स्ट्रीट से, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।